नमस्कार दोस्तों, वेदा क्लासेस के एग्ज़ाम अपडेट सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे ईपीएफओ में वैकेंसी के लिए। शायद आपको याद होगा, ईपीएफओ में वैकेंसी के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें एक नोटिफिकेशन था पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जिसमें 323 पद थे, और दूसरा नोटिफिकेशन था नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें 1000 से ज़्यादा पद थे। तो इन दोनों ही पदों के लिए एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, साथ ही साथ में एग्ज़ाम डेट के साथ में इसका सिलेबस भी जारी किया गया है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले ईपीएफओ डिपार्टमेंट में पर्सनल असिस्टेंट और नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए कौन सी परीक्षा डेट निर्धारित की गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी परीक्षा डेट निर्धारित की गई है। लेकिन दोस्तों, आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है सभी तरह के एग्ज़ाम की जानकारी, सभी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट्स। चलिए देखते हैं कौन सी डेट दी गई है। तो यह पहली नोटिस डाउनलोड हो चुकी है, जो कि यह नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है 1930 वैकेंसी। ठीक है, 1930 वैकेंसी यहाँ पर कुल दी गई थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 892 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 193, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 235 और एसटी के लिए 164। इस तरह से जो टोटल वैकेंसी थी वह नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1930 पदों की वैकेंसी इसमें भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। तो यह जो टाइम टेबल दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि कौन सी डेट पर आपका यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टाइम टेबल में देखिए कि डेट एंड डे दिया गया है 7 जुलाई 2024 दिन रविवार, संडे के दिन 7 जुलाई 2024 संडे के दिन सेकंड शिफ्ट में यह एग्ज़ाम आपका होगा। इसके लिए जो टाइम दिया गया है, सेकंड शिफ्ट का टाइम दिया गया है, तो 2 बजे से 4 बजे तक यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके लिए जो सब्जेक्ट कोड है, तो नर्सिंग ऑफिसर का है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्सिंग 02 कोड होगा। इसमें और बातें बताई गई हैं, यहाँ पर नोट में देखिए कि जो कैंडिडेट्स होंगे, तो कैंडिडेट्स को टेस्ट सेंटर पर अपने, यानी कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पर 90 मिनट पहले या 1.5 घंटे पहले पहुँचना होगा, क्योंकि जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसके आधे घंटे पहले से आपका गेट क्लोज हो जाएगा। यानी कि यदि आपका एग्ज़ाम 2 बजे से है तो आपको 1.5 बजे तक हर हाल में वहाँ पर पहुँच जाना है, 1.5 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद स्कीम दी गई है, स्कीम ऑफ द टेस्ट। तो जो स्कीम है इसमें, तो टेस्ट जो होगा आपका यह 2 घंटे का होगा, और जो टोटल टेस्ट होगा इसमें 300 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 300 नंबरों का यह टेस्ट होगा, 2 घंटे का यह टेस्ट होगा। साथ ही साथ में इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई। तो निगेटिव मार्किंग कितना रखी गई है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, और इसके बाद सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सिलेबस ऑफ द टेस्ट। जो सिलेबस दिया गया है वह है नर्सिंग फाउंडेशन, सेकंड टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, थर्ड है नर्सिंग एजुकेशन, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और आपका दिया गया है आगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर जो वेटेज दिया गया है, तो 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। यानी कि इसमें जो आपका वेटेज होगा या जो सिलेक्शन होगा वह टोटल रिटर्न रिक्रूटमेंट के बेस पर होगा, रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो यह जो दूसरी नोटिस है यह पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, और इसमें भी इसी तरह आप क्लियर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली रिक्रूटमेंट टू 323 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी जो डेट एंड टाइम दिया गया है वह भी 7 जुलाई 2024 को ही इसका डेट और समय दिया गया है, 7 जुलाई संडे को। लेकिन इसका जो शिफ्ट है वह फर्स्ट शिफ्ट में इसका पेपर होगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसका पेपर होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट इसका पेपर का कोड होगा। इसमें भी सेम कंडीशन दी गई है कि आपको
टेस्ट सेंटर पर अपने 90 मिनट पहले या 1.5 घंटे पहले उपस्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे पहले यानी कि 9 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, 9 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद देख लेते हैं स्कीम क्या है इसकी। तो जो इसकी स्कीम है वह 2 घंटे का पेपर होगा, जो सभी क्वेश्चन होंगे वह सभी बराबर मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें जो पेनाल्टी होगी वह 1/3 मार्क की पेनाल्टी रखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिलेबस इसमें देखते हैं, तो जो सिलेबस होगा यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो इतने सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर क्वेश्चंस बनेगा। इसमें जो वेटेज दिया गया है वह टोटल 100% वेटेज, यानी कि जो टोटल आपका टेस्ट होगा वह 300 नंबर का आपका टेस्ट होगा, या कह सकते हैं कि एक जो टोटल आपका पेपर होगा वह 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से 300 नंबर आपके हो जाएंगे, तो 100% वेटेज होगा। इसके बाद आपका जो भी रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट में एक मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद मेरिट के लिए स्किल टेस्ट तैयार, स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो फिर जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वह केवल रिटेन टेस्ट पर बनेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है वह मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो यह था आपका इसके बारे में जानकारी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।